हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर लौट के आया हूँ एक वीडियो लेके, जो मैं बताने वाला हूँ जो भी पोलैंड में आने वाला है, और एक्सपेंस के बारे में और टैक्स के बारे में, कितना टैक्स कटना है, कितनी सैलरी में, कितने परसेंट, और आपका अगर से कंपनी रूम प्रोवाइड कर रही है तो कितना चार्ज है, कितने में सिंगल रूम है, कितने में फैमिली रूम है, कितने में शेयरिंग रूम मिलता है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, जो भी कंपनी ज्वाइन करता है तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी में से जो भी है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी तो मैं बताया था पहले भी, जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से 3010 PLN स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट में होती है, तो इतनी सैलरी होती है भाई, इतनी नॉर्मली सैलरी होती है। और टैक्स की स्टार्ट करता हूँ। टैक्स जो भी है, टैक्स दो प्रकार से कटता है इधर। पहला पहला टैक्स कटता है 17%, और सेकंड टैक्स कटता है 32%। तो ये सैलरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। 17% कटेगा जो है 3000 से जो स्टार्टिंग सैलरी है, और मैक्सिमम 3000 स्टार्टिंग सैलरी है। अगर से किसी 85,000 के ऊपर जाती है एनुअल में, मतलब साल में 85,000 सैलरी ऊपर जाती है, या उसके नीचे रहती है, ब्लो 85,000 PLN के नीचे रहती है, उसका 17% टैक्स कटेगा। और जिसकी 85 के ऊपर जाती है साल की इनकम, तो उसमें 32%, और जो 85,000 के ऊपर गई तो उसको ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, वो हो जाती है ब्लू कॉलर जॉब बोलने लगते हैं, जिनकी ईयरली इनकम 85,000 के ऊपर होती है, तो समझ गए। और सेकंड, और इसमें है, क्या आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आसान है, तो पोलैंड में तो सिटी में ही एक्चुअली ट्रैवल कर सकते हैं खास करके। और जैसे कहीं आउटर एरिया में आप जाओगे तो उधर बहुत मुश्किल है। कैसे? क्योंकि यहाँ के लोगों को, मुझे लगता है 80-90% लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, जो अभी के स्टूडेंट हैं उनको बराबर से आती है, लेकिन जो यहाँ के लोकल पीपल हैं, सिटीज़न हैं, उनको इंग्लिश आती नहीं है, सारे पॉलिश हैं। अगर से आप उनको पूछोगे तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है इंग्लिश। तो इधर आने के पहले ये भी दिक्कत है कि अगर से जब आपको आउटर जाना है, सिटी के बाहर जाना है कहीं, तो कोई भी बंदा ऐसा है जो इधर पहले से रह रहा है उसके साथ ही जाए। और थर्ड है, इधर कोल्ड, मतलब विंटर का समय 9 मंथ तक रहता है, 9 महीने तक चलता है ठंड, जो टेम्परेचर रहता है -10 to 18। 10, 12 तो कंपलसरी है, 18 मतलब, तो 18 के बहुत कम ही जाता है, लेकिन -10 रहता ही है, बर्फ़ गिरती है जो। और आने के पहले मैं तो यही बोलूँगा, सजेशन करूँगा कि आप आने के पहले इंडिया से ही कुछ कपड़े लेके आएं, तो वो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि आते ही आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे, ना डॉलर होंगे ना यूरो होंगे, तो आप बाई करने के लिए मुश्किल रहेगा। तो आप वहीं से ही
प्रिपेयर करके आएँ और विंटर का स्वेटर जो अच्छा हो वो लेके आएँ। विंटर का स्वेटर जो वहाँ सस्ता मिल जाता है अपने इंडिया में, अगर इधर आओगे तो इधर तो महंगा ही मिलेगा, फिर जैसे सैलरी आती है तो आप बाई कर सकते हो। और समर का सीज़न होता है जो 3 महीने होता है, 3 महीने सिर्फ, और इसका टेम्परेचर 25 से 30 तक जाता है, 32 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन समर का ये टेम्परेचर जो है वो भी इधर रहते रहते हाई लगने लगता है। और चौथा सिम, अगर से आप पोलैंड आ रहे हो तो कौन सी सबसे सस्ती सिम रहेगी, सस्ता इंटरनेट और कॉलिंग में, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सिम के लिए, सिम लाइका सिम मैं यूज़ कर रहा था जब से मैं था उधर, लाइका, और अच्छा नेटवर्क भी था और इंटरनेट भी बराबर से चल रहा था और सस्ता था सारे से। वैसे तो है उधर भी मोबिटल है एंड काफ़ी सिम है, लेकिन मुझे लाइका ही अच्छा लगा और उसमें ऑफ़र भी मिलते रहते हैं। और बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि पोलैंड का वीज़ा है अगर से, या स्टूडेंट का वीज़ा है, या वर्क वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, तो क्या हम दूसरी कंट्री जा सकते हैं यूरोप की? तो हाँ जा सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर सकते उधर। अगर से आपके पास वर्क वीज़ा है तो आप काम नहीं कर सकते दूसरी कंट्री जाके, सिर्फ आप उधर टूर में 3 महीने तक स्टे कर सकते हो एज ए टूरिस्ट। तो 3 महीने तक स्टे कर सकते हो और घूम सकते हो, लेकिन काम नहीं कर सकते। और चौथा, अगर से आपके पास पोलैंड वीज़ा है तो आप पुर्तगाल जा सकते हो लीगली एज ए टूरिस्ट उधर भी, लेकिन उधर आप वर्क ढूंढ के और वर्क परमिट उधर रह के अप्लाई कर सकते हो, ये भी है। और बात रही रूम की, जैसे आपको जाते हो तो रूम तो कंपलसरी है, कंपनी देती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, तो कि लोग रहते रहते बोर हो जाते हैं, बोलते हैं हमको प्राइवेसी नहीं मिलती, तो चेंज कर सकते हैं। तो रूम का खर्चा अराउंड वही आएगा। अगर से शेयरिंग रूम में जाते हो तो आपको शेयरिंग मतलब आपका बेड रहेगा और टॉयलेट बाथरूम किचन जो है शेयरिंग रहेंगे, मतलब जैसे एक घर है उसमें 5-6 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, तो एक ही टॉयलेट को यूज़ करना है, किचन को यूज़ करना है, तो जो है शेयरिंग रूम है उसका 500 से 600 रेंट रहेगा जलोटी। और अगर से आपको सिंगल रूम लेना है स्टूडियो टाइप का, तो उसका सिंगल रूम आपको एक सेपरेट बाथरूम, टॉयलेट, और ये आपका सिंगल बाथरूम और टॉयलेट और सिंगल रूम ये, और किचन शेयरिंग रहेगा 2 लोग 3 लोग ऐसा करके, लेकिन टॉयलेट अटैच रहेगा, बाथरूम भी रहेगा, और आपका सिंगल प्राइवेसी बराबर रहेगी। आप कोई उसका रेंट अराउंड रहेगा 800-900 जलोटी। और अगर से फैमिली रूम लेना है तो फैमिली रूम में तो आपको पता है एक किचन हो जाएगा, बेडरूम हो जाएगा, हॉल हो जाएगा, लिविंग रूम जो है, ड्राइंग रूम, और ऐसे उसका अराउंड रहेगा 2000 से 3000 के अंदर, अच्छा से अच्छा रूम मिल जाएगा मस्त करके, जो आप आराम से रह सकते हैं। और आठवां है, क्या आप पोलैंड अगर से अकेले आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, लोगों ने बहुत पूछा कि आप अगर से पहली बार आ रहे हो पोलैंड तो क्या सेफ़ है लड़कियों के लिए, या
फैमिली के लिए सेफ है, इधर चोरी चकारी तो नहीं होती। तो मैं यही बोलूँगा, इधर इधर पोलैंड से जैसे सेफ कंट्री कहीं नहीं है। यूएन अगर से फ्रांस जाओगे तो उधर सेफ नहीं है, और कानून है बट उधर सेफ सेफ नहीं है उधर। लेकिन पोलैंड में मैं 1.5 साल रहा, मैंने कभी आज तक इतना ऐसा कोई कांड नहीं सुना कि कुछ हुआ हो। हुए होंगे लेकिन पब्लिक ही नहीं हुए, और सब कानून के दायरे में ही रहते हैं सारे, और इतना कुछ है नहीं है इधर। और आप आराम से रह सकते हो, ड्यूटी कर सकते हो। और एक बात और, अगर से आप कहीं बाहर घूमने निकलते हो तो हमेशा आप अपने पास पासपोर्ट या TRC कार्ड है या कुछ भी, मतलब एक आइडेंटिटी प्रूफ रहना चाहिए। अगर से आपको पुलिस ने कभी पकड़ा या चेकिंग हुई तो सीधे 500 जुलोटी आपका फाइन लगे विदाउट, और आपको जेल में डाल देंगे। तो अगर से आपको जेल में नहीं जाना तो आप अपने पास हमेशा पासपोर्ट या TRC कार्ड अपने साथ कैरी करके चलें, जो आप आपके लिए भी वो है, आसान है और सुविधाजनक है। और दोस्तों, यहाँ आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत अच्छा है, मतलब काम करने के लिहाज से, और इतनी गर्मी भी नहीं होती जैसे इंडिया में अभी चल रही है गर्मी इतनी तेज़ी से। तो मैं यही सजेशन करूँगा कि आप आओ और आराम से मस्त काम करो। और आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस जो दोस्त भाई हैं आपको उनको शेयर करें, इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ भी आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। मैं अपनी तरफ से जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैं भी एक जॉब करता हूँ तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं वीडियो भी उतना नहीं बना पाता। मैं तो सिर्फ, मेरा ये फैशन नहीं है, लेकिन मैं अपनी उससे बनाता हूँ वीडियो कि लोगों को हेल्प मिलेगी। बस मेरा इतना मोटिव नहीं है कि मुझे यूट्यूबर बनना, कि क्या सिर्फ मेरा यही मकसद है कि हेल्प करना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यही है दोस्तों, और भी कुछ आगे मैं वीडियो बनाऊँगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आगे वीडियो जो भी बनाऊंगा तो आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी हर चीज़ की। और यहाँ तक के लिए, यहीं तक के लिए, जय हिंद जय भारत।